है क्रिकेट के। साउथ अफ्रीका में भारत ने सीरीज जीत ली है। भारत ने 3-1 से ये T20 सीरीज जीती है। चौथे मैच में अफ्रीका को 135 रनों से रौंदा गया। संजू सैमसन ने नाबाद 109 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने नाबाद 120 रन की पारी खेली और भारत ने अफ्रीका को 284 का टारगेट दिया था। साउथ अफ्रीका 148 रन पर ही ऑल आउट हो गई। बड़ा मार्जिन ये देखा गया। अर्शदीप ने 3 और वरुण अक्षर ने 2-2 विकेट भी झटके और इसी के साथ साथ सभी खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जो है वो देखा गया। ये जो मैच था ये काफी दिलचस्प रहा और ऐसे में जैसे ही इस मैच की शुरुआत हुई और जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट प्लेयर मैदान पर उतरे और एक एक कर जिस तरीके से धुआंधार पारी, चाहे अगर वो बात की जाए बल्लेबाजी की, चाहे अगर वो बात की जाए विकेट झटकने की, तो इन तमाम धुरंधर खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में दिखाया। तिलक वर्मा ने 120 रन की नाबाद पारी बनाई और इसी के साथ विकेट भी बेहतरीन अंदाज में झटके गए। और अब चलिए इसी मैच को लेकर अधिक चर्चा कर लेते हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी से। मनोज जी, देखिए बेहतरीन मैच था और जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने एकाएक कर, बात बल्लेबाजी की हो या फिर विकेट झटकने को लेकर हो, बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन जो है वो दिखाया है। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा लग रहा था कि एक टेस्ट प्लेइंग कंट्री का मुकाबला जो है एक एसोसिएट टीम के साथ चल रहा है। और जितना ताबड़तोड़ अंदाज तिलक वर्मा का और संजू सैमसन का और उससे पहले अभिषेक का दिखाई दिया, उसको देखकर लगता था कि ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका की जो टीम है पूरी तरह से बिखर गई है ना, उनसे फील्डिंग हो पा रही थी और गेंदबाजी में, क्योंकि उनकी लेंथ को बहुत जल्दी पड़ रहे थे ये तीनों खिलाड़ी, तो उससे बिल्कुल फील्डिंग इतनी प्रभावित हुई कि कई कैच भी छूटे और जो स्क्वेयर बाउंड्री छोटी थी उसका भरपूर फायदा उठाया। लेकिन उसके बावजूद संजू सैमसन तिलक वर्मा ने सामने जो बड़ी बाउंड्री है उस पर भी कई छक्के लगाए। तो इस तरह से एक रन मशीन, युवा ब्रिगेड की रन मशीन यहां देखने को मिली, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। और आने वाले समय में उसने दिखा दिया है कि अगर यही कुछ सिलसिला रहा तो भारतीय टीम जो है, जो आज दुनिया में नंबर एक टीम है, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम है और जिससे ये उम्मीद की जाती है अच्छे प्रदर्शन की, ये प्रदर्शन उसका बदस्तूर इसी तरह से जारी रहेगा। बिल्कुल, बात की जाए तिलक वर्मा की और संजू की, तो ऐसे में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन और नाबाद पारी इन दोनों ने मिलकर खेली, उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्या रणनीति पहले से काफी बेहतर हुई जिस तरीके से पिछले मैच में भी देखा गया था? देखिए जी, जिस तरह से जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 23 छक्के लगने का, उसमें से 19 छक्के तो इन दोनों प्लेयरों ने ही लगा दिए, संजू ने भी और तिलक वर्मा ने भी। एक ने 9 लगाए, एक ने 10 लगाए, 10 छक्के तिलक वर्मा की तरफ से देखने को मिले। स्लॉग स्वीप क्या होता है, स्लॉग स्वीप क्या होता है, पुल शॉट क्या होते हैं, हुक शॉट क्या होते हैं, स्क्वेयर ड्राइव क्या होते हैं, और ये सारी पोजीशंस जो हैं वो तिलक वर्मा ने दिखा दी। और उन्होंने एक नया अंदाज विकसित करके दिखाया पूरी दुनिया को कि किस तरह से एक पांव जमीन पर, एक घुटना जमीन पर रखकर कैसे छक्के लगाए जाते हैं। क्योंकि अभी तक तो स्वीप शॉट में आप एक घुटना नीचे लगाते हैं, लेकिन आप छक्के लगाने में, चारों तरफ छक्के लगाने में घुटना जमीन पर रखकर सहजता के साथ छक्के लगाते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ छक्के लगाने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, छक्के अपने आप लग रहे थे क्योंकि गेंद को सही दिशा दे रहे थे, बैट को, बैट स्विंग उनका बहुत अच्छा है, बैट को बिल्कुल सही मिडिल कर रहे थे, अब गेंद को मिडिल कर रहे थे बैट के साथ। और इसी तरह से संजू सैमसन को अगर आप देखें तो उनके मिड विकेट शॉट, मिड ऑन मिड ऑफ के शॉट, स्ट्रेट उन्होंने ज्यादा अच्छे शॉट्स खेले हैं, एक्स्ट्रा कवर की तरफ ज्यादा अच्छे खेले हैं। लेकिन ये कहना ठीक होगा कि बेशक स्क्वेयर बाउंड्री छोटी थी, लेकिन उन्होंने ज्यादा अपने आप को चैलेंजिंग बनाया अपनी पारी को, और जो लंबे शॉट जो सामने खेले हैं, सामने की बाउंड्री अच्छी खासी थी, 82 मीटर की लंबी बाउंड्री थी, वहां उन्होंने छक्के लगाए। तो वांडरर्स पर ये सबसे बड़ा स्कोर देखने को मिला। और इतना ही नहीं, 23 छक्के का कीर्तिमान स्थापित हुआ, सबसे बड़ा भारत का सेकंड हाईएस्ट स्कोर बना, साउथ अफ्रीका में भारत का हाईएस्ट स्कोर बना। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कीर्तिमान है। अब संजू सैमसन 3 सेंचुरी जो लगाने वाले T20 क्रिकेट में अकेले भारतीय बन गए, तिलक वर्मा ने लगातार दूसरे मैच में जो है सेंचुरी बनाई। तो इस तरह से हम कभी दिखा करते थे कि भारतीय टीम जो है या दुनिया की कोई भी टीम जो सेंचुरी बनाती थी तो अगली सेंचुरी जो है कई सीरीज के बाद जाके देखने को मिलती थी। अब एक ही सीरीज में जो है संजू सैमसन की 2 सेंचुरी और तिलक वर्मा की 2 सेंचुरी यही बयान करती हैं कि आज की युवा ब्रिगेड पिछली युवा ब्रिगेड से कहीं ज्यादा मैच्योर्ड है, कहीं ज्यादा ताबड़तोड़ अंदाज है उनका। और आने वाले समय में कोई मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि T20 फॉर्मेट में लोग विराट और रोहित को भूल जाए। ये बड़ी मैं बात कर रहा हूं क्योंकि
ये टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली और वनडे में उनका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन T20 क्रिकेट में ये बेताज बादशाह है भारतीय युवा ब्रिगेड। बिल्कुल मनोज जी, अगर इसी के साथ देखा जाए तो अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम का ये बड़ी जीत जो है वो मानी जा रही है, क्योंकि जो फासला रहा 135 रनों का वो भी बड़ा फैसला था। बात की जाए पिछले मैच की तो उस वक्त जो मार्जिन था टीम की जीत का वो सिर्फ 11 रनों का था, लेकिन अब 135 रन टारगेट का पीछा आधे रास्ते तक भी नहीं कर पाई अफ्रीका की टीम। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमने देखे बल्लेबाजों की तो बहुत तारीफ कर दी और तारीफ के वो हकदार भी हैं, लेकिन अगर आप गेंदबाजी देखें, आप अर्शदीप को देखें, और अर्शदीप ने दिखाया कि पावर प्ले में क्या गेंदबाजी होती है। तीनों विकेट उन्होंने पावर प्ले में हासिल किए। पिछले मैच में उन्होंने पावर प्ले में एक विकेट हासिल किया था, दो विकेट उन्होंने क्लासेन और मिलर के उन्होंने हासिल किए थे स्लॉग ओवर्स में। तो दोनों चाहे पावर प्ले हो चाहे स्लॉग ओवर्स हो, दोनों में वो माहिर हैं। इसके अलावा अगर आप अन्य प्लेयर देखें, अक्षर पटेल कितनी अच्छी जबरदस्त उनकी इकोनॉमी है, दो ओवर में 6 रन, उनको गेंदबाजी बहुत कम मिलती है लेकिन जितनी मिलती है उसमें वो पूरी तरह जस्टिस करते हैं। कोहिजी और केशव महाराज, क्योंकि टेल जो है कई बार बहुत परेशान कर जाती है, इस मैच में तो चलो हमारा स्कोर पहाड़नुमा था, लेकिन बाकी मैचों में अगर एक टैलेंटेड प्लेयर जो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है या मिडिल ऑर्डर का भी बल्लेबाज है वो टेल के साथ अपनी पारी को लंबा खींचता है, लेकिन उसको निपटाना बहुत जरूरी होता है और वो निपटाने का काम अक्षर पटेल बहुत जल्दी करते हैं टेल को। और हार्दिक पांड्या जो है शुरुआती ओवरों में, जैसे कि एक बार रोहित शर्मा ने कहा भी था उनके लिए कि वो एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो खाली बॉलिंग के दम पर भी अपनी टीम में जगह बना सकते हैं। 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार गेंदबाजी करना, अंदर की तरफ गेंदें जो उनकी आती हैं बहुत खतरनाक होती हैं, और जो एक शॉर्ट गेंद पर उन्होंने रिकेल्टन का जो विकेट लिया वो काबिले तारीफ था, और अर्शदीप ने जो निप बेकर पर क्लासेन को आउट किया, लगातार दूसरी बार आउट किया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और जहां उनको लगा कि मार्करम जो है उनको वाइड दूर बल्ले से दूर गेंद की जाए, वो उनकी रणनीति बहुत कारगर रही। और जिस तरह उन्होंने रिजा हेंड्रिक्स को आउट किया, पहले आउट स्विंगर की और बल्लेबाज को माइंडसेट बना दिया कि इनकी गेंद बाहर जाने वाली है, और अगली ही गेंद उन्होंने इन स्विंगर कर दी जो अंदर की तरफ आई और उनका विकेट ले उड़ी। तो ये इंटेलिजेंट बॉलिंग होती है, मैं समझता हूं कि ये कंसिस्टेंट रहना चाहिए भारतीय टीम को इस पर, क्योंकि 26 में से 24 जीत भारत को हासिल हुई है इस फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में इस साल, ये जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। और साउथ अफ्रीका अब सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया से हारी थी, अब सबसे ज्यादा जो है ओवरऑल रिकॉर्ड के मामले में भारत से हारी है, तो भारत यहां भी सर्वोपरि है। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, बेहतरीन जिस तरीके से आपने विस्तार से बताया कि एक के बाद एक कई इतिहास भी जो है इस मैच के दौरान जो है वो रचे गए हैं। अगर अब हम बात कर लें, अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके, वरुण और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट झटके, और इसी के साथ साथ हार्दिक पांड्या, रमनदीप सिंह और रवि बिश्नोई ने 1-1 विकेट झटके। इन सभी को आपस में अगर कंपेयर किया जाए और पहले मुकाबलों के मैच इस मुकाबले में देखा जाए, क्या इनका मतलब कितना कुछ ज्यादा इन्होंने खुद को पॉलिश किया, कितना ज्यादा बेहतरीन इनमें बदलाव जो है वो नजर आया? देखिए आखिरी दो मैच जो है चैलेंजिंग थे खासकर स्पिनर्स के लिए, लेकिन स्पिनर्स ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और 4 मैचों में 20 विकेट हासिल करना स्पिनर्स का, और वही साउथ अफ्रीका की जमीन पर दिखाया उन्होंने कि, क्योंकि एक समय कुलदीप यादव और चहल की जो कलाइयों के जो फनकार थे उन्होंने बहुत रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल की थी साउथ अफ्रीका में, तो अब रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने दिखा दिया कि कलाइयों के फनकार वो भी हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती तो मैन ऑफ द सीरीज थे, और जो 5 विकेट उन्होंने 5 विकेट हॉल किया T20 क्रिकेट में, 5 विकेट हॉल बहुत चुनिंदा बॉलर कर सकते हैं, ये किसी सेंचुरी या 150 रनों से कम नहीं है, अद्भुत कामयाबी थी उनकी। और इस बार भी उन्होंने जिस तरह से डेविड मिलर का बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया जो कि बहुत अच्छे रिदम में दिखाई दे रहे थे, तो यहाँ वरुण चक्रवर्ती, मैं कहूंगा कि इस वैसे तो बहुत सारे खोज हैं लेकिन वरुण चक्रवर्ती का मैं गेंदबाजी के मामले में खास तौर पर नाम लूंगा कि उन्होंने हर मैच में अपनी मौजूदगी दर्ज की है, और बस थोड़ी सी फील्डिंग के क्षेत्र में अगर वो सुधार करें तो वो T20 फॉर्मेट में नियमित भारतीय टीम के सदस्य बन सकते हैं।